नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर जलालाबाद गाजीपुर में कंप्यूटर से जुड़ी शिक्षा बच्चों द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से हासिल किया जा रहा है। यहां के बच्चे ज़्यादातर जगहों पर कामयाब भी हो रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया किस तरह से क्या कुछ हुआ टेस्ट प्रक्रिया में। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय गाजीपुर जनपद जलालाबाद में। यहाँ मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर के बच्चों का आज टेस्ट किया गया है। आइए कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे इस संबंध में, क्या कुछ बच्चे बता रहे हैं। गाजीपुर जनपद के इस कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आप यहाँ बच्चे हैं, हमारे चैनल में भी आप सभी का स्वागत है। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है और कहाँ पढ़ते हैं? सर, मेरा नाम कैश वर्मा है और मैं इस समय BSc कर रहा हूँ। जी, अभी कंप्यूटर में आज आपका टेस्ट था, क्या आपको लगा, कितना नंबर आ जाएगा? जी सर, जैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंग तो पेपर बहुत ही अच्छा था। हालांकि 2-3 क्वेश्चन थोड़े मेरे आउटस्टैंडिंग के अलग थे, लेकिन फिर भी पेपर अच्छा हुआ है। तो किस तरह की तैयारी थी आपकी और किस तरह का पेपर आया था? ये तैयारी तो मेरी, मतलब मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वही मैं डेली बस यहाँ पे क्लास करता हूँ, उसको घर पे थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता हूँ। इस प्रकार से मेरी तैयारी अच्छी थी। कंप्यूटर में कोई ऐसा टफ क्वेश्चन रहा हो जो अभी आपके समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर जो सबसे सिंपल हो, जो आपने आसानी से देखा हो और बता दिया हो कि अरे तो इसका तो इसमें होता है? दो क्वेश्चन हमें बताइए, एक टफ और एक आसान। जैसे कि हमने कोरल ड्रॉ का पेपर दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कंबाइनिंग करने का, तो कंबाइनिंग करने वाला हमने पहले से भी पढ़ा था। इसका शॉर्टकट की पूछा था तो उसमें था Ctrl+L। और एक टफ क्वेश्चन पूछा था कि मतलब फुल स्क्रीन प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, तो थोड़ा मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि इसका F9 होता है। यहाँ की शिक्षा दीक्षा की मैं बात करूँ तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या कुछ बताया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जो मतलब कोचिंग की जो सुविधाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि मैं यहाँ पिछले 10 महीनों से पढ़ रहा हूँ। जब मैं शुरू में आया था तो यहाँ पर मतलब बैचेस अच्छे से, हर एक क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग बैचेस, सुबह से ही कोचिंग खुल जाता है, हर एक समय में अलग अलग टीचर आते हैं पढ़ाते हैं और यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और हर एक स्टूडेंट के लिए सिंगल सिंगल लैब भी मिलता है। हमारे चैनल के माध्यम से अन्य जो बच्चे हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की सुविधाओं पे? मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप इधर जलालाबाद गाजीपुर इस एरिया में अगर आप हैं तो आपके लिए मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर बहुत ही अच्छा साबित होगा आपके कंप्यूटर सीखने के लिए, आप लोगों के लिए। जी, चूंकि हमें तो कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, आपने खुद देखा, स्टूडेंट द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ जो भी कुछ व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से यहाँ बताया जाता है। जो सुविधाओं की मैं बात करूँ तो यहाँ सुविधा भी छात्रों ने बताया कि बहुत हर विद्यालय से बहुत ही बेहतर है। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? सर, मेरा नाम श्वेता बनवाल है, मैं बदपुर की रहने वाली हूँ। जी जी, यहाँ जो व्यवस्थाओं की मैं बात करूँ तो किस तरह से, आप चूंकि लड़की हैं, आप दूरी से आ रही हैं, छात्राएं घर पे अभिभावक भी आपको, तो क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है जो आप इतना दूरी से यहाँ आती हैं? सर, यहाँ की व्यवस्था अगर लोकल एरिया की बात करें तो लोकल एरिया में अगर आपको बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चाहिए तो मार्कंडेश्वरम उसके लिए बहुत ही बेस्ट है और यहाँ की सुविधा बहुत ही अच्छी है। जो सर हैं यहाँ के, जो मार्कंडेश्वर कंप्यूटर के, किस तरह की सुविधाएं अलग से आप छात्राओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, जैसे फीस की हो गई या फिर आने जाने में कोई सुविधा हो या फिर अभिभावकों से बराबर इनका संपर्क रहा हो, इस तरह से क्या कुछ अलग लगता है हर इंस्टीट्यूट के अलावा? वो सर, ये मतलब कोई आने जाने की सुविधा तो प्रोवाइड होती नहीं है इंस्टीट्यूट से, लेकिन हम हाँ पेरेंट्स से जो होता है हमेशा सर का कांटेक्ट रहता है, मतलब बच्चे आए कि नहीं, क्यों हाँ, नहीं आए, क्या कुछ है। यस सर, छात्राओं के लिए बेहतर जरूरी है मेरे नजरिए में कि अगर विद्यालय में आपके घर से भी कोई लड़की पढ़ती हो तो शिक्षक को ये चाहिए कि आज 9 बजे अगर हमारे विद्यालय में प्रतिदिन बच्ची आती है, जिस दिन नहीं आती है अभिभावकों को एक बार जरूर बताएं कि आज बच्ची किस कारण से नहीं आई है। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी जानकारी होती है कि नहीं, यहाँ विद्यालय से फोन आता है और किस कारण से नहीं आ रहा है। चूंकि इस समय का जो माहौल है, जो मैं जो फील्ड में चल रहा है, जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं, इस तरह से अगर अभिभावकों के प्रति और शिक्षक के प्रति एक जुड़ाव रहता है तो छात्राएं निडर और निश्चिंत होकर अपने जहां भी संस्था है उसमें जाती हैं और पढ़ती हैं। कंप्यूटर की शिक्षा की मैं बात करूं तो क्या कुछ अलग लगा यहां पर जो पढ़ाया गया, जो आज का ट्यूशन आपका टेस्ट रहा है, उसमें आसान था कोई सवाल और जो कठिन हो, दो सवाल के? सर, क्वेश्चंस की बात करें तो सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए थे और सारे इजी आए थे, सारे इजी थे। जैसे सबसे इजी किसी क्वेश्चन को ऐसा लगा हो कि देखते ही आपने बता दिया हो कि आसान है, हम बता देंगे? सर बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे सर, जैसे किसी मतलब किसी एक्शन को रिवर्स करने के लिए कौन से मतलब की का उपयोग करते हैं, कौन सा की का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए Ctrl+Z होता है, एंडो, इस तरह से। कोई कठिन क्वेश्चन? सर कठिन क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें छूट गया हो आपसे। सर छूटा तो एक भी नहीं, सब कर दी। यस सर। कोई कठिन लगा हो जिसको मेहनत करना पड़ा हो, दिमाग को जोर डालना पड़ा हो कि नहीं ये कठिन है?
नो सर, मतलब मुझे जो कठिन लगा वो ये था कि स्क्रीन जो पे जो स्क्रीन आता है वो कितने कलर से मिलकर बना होता है, ये कठिन था थोड़ा। यस सर। उसको हल्की है। यस सर। चलिए, आपका क्या नाम है? सर, माय नेम इज अमृता विश्वकर्मा। कहाँ की रहने वाली है? सर, जफरपुर डीगा। जफरपुर। यस। आज का जो टेस्ट हुआ है उसमें क्या कुछ अलग रहा आपके लिए? सर, हर बार की अपेक्षा और मंथली टेस्ट हमेशा सर करवाया करते हैं। इस बार भी पेपर अच्छा ही था, जितना पेपर कराया था उसे हम लोग को पढ़ाया गया था और पेपर काफी हद तक इजी था। जितना जो लोग पढ़ते हैं वो लोग अच्छे से अटेंड किए होंगे, सारा क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ जो अन्य जो पहने हैं, जो दर्शक बंधु हमारे जो छात्राएं हैं दूरी से देखने वाली हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधा आप छात्राओं के लिए विशेष करके उपलब्ध कराया जाता है मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर से? यहाँ पे अगर आप सीख रहे हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आपको बता सकते हैं अच्छे से। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा सर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मंथली टेस्ट होता है, इससे ये फायदा है जितना हम लोग पढ़े हैं हमने अच्छे से एक्सरसाइज किए हैं कि नहीं किए, इससे हमें सब कुछ जानकारी मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने अभी देखा यहाँ तमाम बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ जो छात्र है, आप अपना नाम बताइए जरा। प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? जलालाबाद। जलालाबाद। क्या कुछ आज का जो टेस्ट रहा है उसमें क्या कुछ कठिन रहा है आपके लिए? ऐसा कोई बात नहीं, सब पेपर नॉर्मली था, जिसमें से हर बच्चों ने हल किया, हम भी इसके साथ हल किए हैं। कितना दिन से पढ़ते हैं? हम तो अभी साल भर से पढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ज्यादातर लोग शहरों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, आपने जलालाबाद से महज 1 किलोमीटर की दूरी है, क्या कुछ अलग लगा कि नहीं शहर की जो व्यवस्था होती है वो यही उपलब्ध हो जाएगी? हो सकती है, ऐसी हो सकती है, हर व्यवस्था है नॉर्मली गाँव में, हर व्यवस्था हो सकती है। आज ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बच्चे घर पे ऑनलाइन सिस्टम करके पढ़ सकते हैं। मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो क्या कुछ अलग है यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट के अलावा? हर स्टूडेंट के अलावा यहाँ पे बच्चों को हर चीज का सुविधा दिया जाता है, और उनको अगर बच्चे पढ़ नहीं पाते तो उनको एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है और एक्स्ट्रा लाइव करने के लिए भी दिया जाता है, इससे बेहतर जानकारी हो पाती है। अगर बच्चे समय से नहीं आ पाते हैं, लेट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा जानकारी भी दी जा सकती है। और बच्चे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी हो, अगर बच्चे 6 महीना पढ़े, अगर वो कोर्स कम्प्लीट नहीं हो पा रही है या वो कोर्स सही से नहीं कर पा रहे, उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा या 1 महीना एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा? चलिए, आप अपना नाम बताइए। छोड़िए, शिवम सिंह। शिवम सिंह, कहाँ के रहने वाले? तिरछी। तिरछी के रहने वाले। अभी जो आज टेस्ट हुआ है उस पर आप क्या, किस तरह का क्वेश्चन था और क्या कुछ आसान रहा आपके लिए? सब नॉर्मल ही था। सब नॉर्मल था, सबका आपने जवाब दे दिया। जो जो पढ़े थे हम लोग, जो जो पढ़े थे। क्या नाम आपका? माय नेम इज आकाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले? बद्धूपुर। बद्धूपुर। क्या कुछ अलग लगा आपको आज के टेस्ट? जो भी सब कुछ सर पढ़ाए थे स्टार्टिंग से लेके पूरा कम्प्लीटली, उसमें का पूरा टोटल क्वेश्चन हम लोग का आया था। क्षेत्र में तमाम इंस्टीट्यूट है, तमाम जगहों पर कंप्यूटर लैब है, शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे में आप यहाँ क्यों एडमिशन लिए? सर, ऐसा बात है कि हम लोग के घर से थोड़ा डिस्टेंस कम पड़ता है, प्लस यहाँ पे जो सुविधा चाहिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मिलता है, एजुकेशन भी मिलता है। यहाँ के संचालक महोदय का कहना है कि SC ST सहित तमाम छात्राओं के लिए यहाँ पर बेहतर सुविधा उपलब्ध है, जल्द करें आवेदन। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।